Stories are very important and powerful too. They not only delight, inspire, motivate and enchant us, but are also a great source of inspiration and learning for children and adults alike. They give wings to the imagination of children and also help in their cognitive development. Thus, throughout today's workshop, we'll try to bring out the importance and relevance of storytelling in classrooms, and by the end of it, help you create and tell stories and make lesson plans. Let me now have the honor to introduce you to our resource persons. We have among us Dr. Usha Sharma, who is an associate professor at Department of Elementary Education, NCERT. She pioneered pre-primary school at Regional Institute of Education, NCERT, Ajmer. She has also been the head of Department of Curriculum, Measurement and Evaluation at District Institute of Education and Training, DIET, SEERT, New Delhi. We are pleased to have you here with us, ma'am. Thank you for joining us today. We also have with us Ms. Jayashree Sethi, the creative director of Storycur. Jayashree Sethi has developed and led creative teams, launched radio stations. As a passionate media and communication professional with teaching experience in renowned institutions like Amity University and Jamia Millia Islamia, she ventured into the world of stories by setting up Storycur in 2011. है तो दो लोग या एक समूह आपस में मिल बैठकर कहानी को कहता है और कहानी को सुनता है और ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हमारे रिश्तों को आत्मीय बनाती है। कहानी हम इसलिए भी कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे मन के भीतर है वो हम किसी दूसरे तक संप्रेषित कर सके, दूसरे तक कम्युनिकेट कर सके और अपने अनुभवों को साझा कर सके, तो कहानी इसलिए भी कही जाती है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये कारण आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। लेकिन इस कहानी सुनाने से फायदा क्या है, क्या फायदा है? सबसे पहला और सबसे उत्तम जो इसका गुण है वो है सुनना। सुनना या लिसनिंग सबसे डिफिकल्ट टास्क है आज की दुनिया में। दूसरा है आपका मेंटल डेवलपमेंट। जब आप ये कहते हैं चल हट, कुछ दम नहीं है, ये क्या बेकार की बात हो रही है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मन बार बार ये जो बात कहता है, इस बात के कहने के पीछे एनालिसिस है, इस बात के कहने के पीछे विश्लेषण है। और आप और हम कभी भी पैसिव हो ही नहीं सकते, कभी भी पैसिव नहीं हो सकते। भले ही आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं कुर्सियों पर, लेकिन आपके मन के भीतर, आपके ब्रेन में, माइंड में कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है। और इसको पढ़ना एक स्टोरी टेलर का आर्ट होता है, जिसे जैसी लगातार ऑब्जर्व कर रही है। तो आप इनसे थोड़ा राइटिंग कैसे हो, इसमें स्टोरी टेलिंग की अपनी एक जगह है। हमने 561 स्कूलों में काम किया था मथुरा के, और सरकारी स्कूल थे ठेठ देहाती गांव। आपको ये नहीं पता चलेगा जिस पगडंडी पर आप चल रहे हैं उसमें अभी जो पैर रखा है, अगला पैर रखेंगे तो पगडंडी मिलेगी या पैर तब से नीचे, क्योंकि वो गोबर से बनी हुई है। कब ये स्कूल बारिश के दिनों में तालाब बन जाएगा ये भी आपको पता नहीं है। तो ऐसे सरकारी स्कूलों में जब स्टोरी टेलिंग का काम किया तो आप यकीन मानिए कि बच्चे बहुत ध्यान से कहानियों को सुनते हैं, बशर्ते कहानियाँ बहुत ही घिसी पिटी न हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज लर्निंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम भाषा को तभी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा सीखना हमारा उद्देश्य नहीं होता। तो इसलिए यहाँ इस मन से बैठेगा कि आज हम सिर्फ मजे के लिए कुछ काम करने आए हैं। जो सीख लिया सो सीख लिया, वो मन सीखेगा आपका और आपका दिमाग सीखेगा और वो खुद ब खुद होगा। तो लर्निंग आपकी यहाँ होगी नहीं होगी, क्या ले पाएंगे, ये सब दो घंटों पे डिपेंड करता है। और बहुत पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जो किताबी करने वाले हैं वो किताब के ऊपर करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने प्रथम की किताब ली है भीमा कथा। बहुत सिंपल, छोटी सी 5 पन्ने की कहानी है। अब अगर आपसे रीडिंग करने पर आएंगे वो भी एक तरीका है, पर जब मैं इसे सुनाती हूँ मैं इसे अपने अंदाज से सुनाती हूँ। तो अभी आप सब मेरे लिए
ढाई से चार साल के बच्चे हैं, दैट्स द एज ग्रुप, सो प्लीज फील एज इफ यू हैव चिल्ड्रन. आप सब 35, 40, 25, 20, 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ नहीं बैठे. सो मेरा एक दोस्त है, मिलेंगे आप मेरे दोस्त से? मेरे दोस्त का नाम है भीमा. और भीमा कथा है. कैन एनीवन टेल मी कि कथा कैसे आवाज करता है? भीमा कथा पता है कैसे आवाज करता था? भीमा गधा के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा था. उसकी नींद ही नहीं खुलती थी. उसका जो मास्टर था वो धोबी था. गार्ड फेयर से चाहिए कि जब वो सुबह कपड़े धो रहा है तो भीमा गधा टाइम पर पहुंचे. पर रात को जो भीमा गधा सोता था उसकी सवेरे नींद ही नहीं खुलती थी. 12 बजे जाके पहुंचेगा घाट पे, जाकर मालिक ने दी बम पे लात और भीमा गधा फिर रोए. अब भीमा गधा बड़ा परेशान, मैं क्या करूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? उसके पड़ोस में गौरी रहती. गौरी गाय. अब गाय कैसे आवाज करती है? भीमा गधा गौरी के पास जाकर कहता है, मेरी ना प्रॉब्लम है, मैं सुबह उठ नहीं पाता और मेरा मालिक मुझे फिर मार गया. तुम मुझे जगा दोगी सुबह सुबह? गौरी कहती है, ओके आई डू दैट फॉर यू, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए. सो कनेक्शन बिठाना आपके ऊपर है कि आप अपना कौन सा स्टाइल डेवलप करते हो. यू नो योर चिल्ड्रन बेटर. अगर मेरा एज ग्रुप चेंज होगा, बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा चेंज होगा, बच्चों की जुबान चेंज होगी, मेरी जुबान चेंज होगा, मेरा स्टाइल उनसे कनेक्ट करने का बदल जाएगा. सो देयर कुड नॉट बी वन पर्टिकुलर वे टू टेल अ स्टोरी. सो जब आप आत्ममंथन करेंगे, खुद अपने भीतर झांकेंगे, यू विल डेवलप योर ओन स्टाइल. नोबडी हैज टू कम एंड टेल यू दिस इज द स्टाइल, यू लर्न दिस. सेकंड एस्पेक्ट व्हिच इज फाइंडिंग एंड क्रिएटिविटी. एक बच्चे को कहीं घूमने जाना था और वो बहुत जिद कर रहा था लेकिन उसके मम्मी पापा मान नहीं रहे. ये तो प्रॉब्लम है. अच्छा, एक बार एक बच्चे को कहीं घूमने जाना था. अब आप दूसरी प्रॉब्लम दीजिए, कह लीजिए ठीक. पापा को ऑफिस में जाना था, टाइम ही नहीं था. वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया. मेरा तो पानी ही सूख गया नलके का. क्या करे मैंने, इतनी तो गर्मी है, सूर्य देव भी तो कितने कितने तप तप के तप रहे हैं, बताओ क्या करोगी? और तुम कितनी सूखी भी लग रही हो. कभी देखा है? ये हमारा हंसने वाला राक्षस है और इसका नाम क्या है? इतनी भी रे आगी. मुर्गी मौसी के दो बच्चे, लालू और पीलू. लालू सचिन राजकुमारी ने सोचा, व्हाट वचन?